लोकसभा चुनाव खत्म, फिर भी पवन ज्योति का विवाद जारी। पत्नी ने किया चुनाव प्रचार, फिर भी पति ने नहीं उठाई अपनी जिम्मेदारी। पत्नी ने किया चुनाव प्रचार, फिर भी पति ने वापस नहीं लिया तलाक का केस। अगर चुनाव बीतने के बाद पत्नी को पवन सिंह छोड़ते हैं तो चुकानी पड़ सकती है पावर स्टार पवन सिंह को कीमत भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं करारा न्यूज डे एंड नाइट, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह के बारे में। दरअसल चुनाव अभी अभी समाप्त हुआ है, 1 जून को लोगों ने मतदान भी किया है। इन सबके बीच पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने अपने पति पवन सिंह के लिए खूब मेहनत किया और घर घर जाकर लोगों से वोट मांगा। पत्नी के इतना कुछ करने के बावजूद भी पति पवन सिंह ने अभी तक पत्नी के लिए कुछ नहीं किया। इन सारी बातों की चर्चाएं अब शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते पर सवाल फिर से क्यों उठने लगे। ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी हैं और एक धर्म पत्नी होने के नाते वो चुनाव प्रचार में काराकाट की जनता के घर घर जाकर पति के लिए वोट मांग रही थी, लेकिन इनमें से दो चीज जनता को खटक गई। पहले ज्योति की मांग में सिंदूर तो था मगर मंगलसूत्र नहीं, और दूसरा ज्योति सिंह चुनाव प्रचार करने वाली हैं। इस बात का अनाउंसमेंट पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किया था मगर उनके नाम के आगे पत्नी या धर्म पत्नी जैसा कुछ नहीं लगाया था। इस बात को हवा तब लगी जब इस खबर पर मीडिया की नजर लगी। अब इन सब के वजह से पवन सिंह पर फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या वो ज्योति सिंह को चुनाव जीत जाने के बाद वापस छोड़ने वाले हैं? क्या वो ज्योति सिंह को सिर्फ अपनी जिंदगी में तब तक लाए थे जब तक चुनाव प्रचार करना था? क्या चुनाव के नतीजे आने के बाद वो ज्योति को छोड़ देंगे? अब इन तमाम सवालों के जवाब में पवन सिंह ने तो अभी तक कुछ नहीं कहा है और ना ही उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने कहा है, लेकिन जनता और मीडिया ये जानना चाहती है कि पवन सिंह ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके और उनके पत्नी के बीच का जो मुद्दा था वो खत्म हुए 2 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके ज्योति सिंह से पवन सिंह ने अभी तक तलाक का केस वापस नहीं लिया है। दोनों मियां बीबी के तलाक का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। ऐसा क्यों? इसके 2 रीजंस हैं। पहला, या तो पवन सिंह को वक्त नहीं मिला होगा केस वापस लेने के लिए, और दूसरा ये कि पवन सिंह ज्योति सिंह से तलाक खत्म करना ही नहीं चाहते हों। अब इन दोनों सवालों के जवाब तो तभी मिलेंगे जब पवन सिंह खुद इस बारे में मीडिया में बात करेंगे। आपको बता दें कि देसवा न्यूज चैनल की रिपोर्टर बबिता मिश्रा ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो चीख चीख के पवन सिंह से ज्योति सिंह के लिए इंसाफ मांग रही थी और तलाक का केस वापस लेने के लिए दबाव डाल रही थी। बबिता मिश्रा का पवन सिंह से सवाल था कि आखिर पत्नी से चुनाव प्रचार करवा रहे हैं तो फिर उसको पत्नी का अधिकार क्यों नहीं दे रहे, उसके गले में मंगलसूत्र क्यों नहीं डाल रहे और कोर्ट से तलाक की अर्जी को वापस क्यों नहीं ले रहे। कहीं आपका इरादा ये तो नहीं कि ज्योति को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना है और अपना काम निकालने के बाद उसे फिर से छोड़ देना है? और अगर आप ऐसा करने की सोच भी रहे हैं तो आपको ना जनता छोड़ेगी और ना मीडिया। बबिता मिश्रा के इतना सब कुछ कहने पर भी पवन सिंह की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, ना ही ज्योति सिंह की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने आया है, और ना ही पवन सिंह ने तलाक का केस वापस लिया है, ना ही ज्योति के गले में मंगलसूत्र डाला है। हाँ, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बबिता मिश्रा के अगेंस्ट बोल रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों एक साथ हैं, परिवार एक साथ है, सभी खुश हैं, तो आपको ऐसी निगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बबिता मिश्रा के सपोर्ट में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पवन सिंह का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मगर आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। हाल कुछ ऐसा ही है। जब ज्योति सिंह को पवन सिंह से कोई शिकायत नहीं है और ना ही ज्योति के परिवार को, ना पवन सिंह को ही, फिर चाहे दुनिया कुछ भी क्यों ना कहे, क्यों ना करे, पवन ज्योति करेंगे वही जो वो चाहेंगे। बाकी सब समय पर छोड़ना ही उचित होगा, जो होगा सामने आएगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और ज्योति पवन के रिश्ते पर आपको क्या लगता है हमें कमेंट में मेंशन करें। और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।